मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाप उसकी 29वीं आयत में यूं लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। अपने ईमान की दुनिया को हम आबाद करें, अपने अखलाक से हर एक को हम शाद करें, अपनी हर बात में हम ऐसे मसीही बन जाएं, दूसरे जब हमें देखें तो उसे याद करें। किसे? खून अपना बहा गए यीशु। चरनी में आ गए ये, आज चरनी में आ गए ये, आज चरनी में आ गए ये, आज चरनी में आ गए ये, पाप सबके मिटा गए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में दूसरा बाप है और दूसरे बाप की शुरुआत एक शादी से हुई है जो गलील के कानाए शहर में होती है, और अक्सर लोग उस शादी में हुए मौजदे का कुछ फायदा उठाते हैं और वो कहते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई तो हमने लगाई तो इसमें क्या बुराई। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है आप पढ़ लें और सुन लें। पीने वाले जिसे मैं थे समझे, पीने वाले जिसे मैं थे समझे, पीने वाले जिसे मैं थे समझे, पानी ऐसा पिला गए ये, पानी ऐसा पिला गए, यीशु मसीह ने कहा वहां पर यहूदियों की रस्मों के मुताबिक मटके रखे थे और जब उनसे कहा गया कि देखो मैं खत्म हो गई है, तब यीशु मसीह ने कहा उन मटकों में पानी भर दो, ना तो दुआ करी ना उन मटकों को छुआ ना ही बरकत दी कि ये शराब बन जाए, बल्कि वो पानी ही कहा कि भोज के प्रधान को जाकर दे दो, और जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा तो वो उसको मैं लगी, लेकिन था सिर्फ पानी ऐसा पिला गए ये, पानी ऐसा पिला गए ये, पीने वाले जिसे मैं थे समझे, पीने वाले
पिला गए, उसका 15वां अध्याय उसके 55 और 56वीं आयत में यूं लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मौत तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि मौत शर्मिंदा हो क्योंकि तुझको, मौत शर्मिंदा हो क्योंकि तुझको, मौत शर्मिंदा हो क्योंकि तुझको, मौत शर्मिंदा शर्मिंदा हो क्योंकि तुझको, होके जिंदा हरा गए ये, 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 होके जिंदा हरा गए ये। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है,
अगर तुम अपने से मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखते हो तो क्या अनोखा करते हो? क्या गैर कौम के लोग ऐसा नहीं करते? और लूका रसूल की इंजील उसका 6 बाप और उसकी 27वीं आयत में यीशु मसीह यूं कहते हैं, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने सताने वालों को आशीष दो और अपने से दुश्मनी रखने वालों से मोहब्बत रखो। सिर्फ भाई नहीं दुश्मनों से, 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 सिर्फ भाई नहीं दुश्मनों से प्यार करना सिखा गए ये। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाप और उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, जब यीशु मसीह के काम बढ़ने लगे, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होने लगा, लोग यीशु मसीह के दीवाने हो गए, यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलने लगी, तब फरीसियों और शास्त्रियों ने आपस में यह सलाह करी और कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जमाना उसके पीछे हो चला है। सोच लो तुमसे कुछ ना बना है, 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 सारी दुनिया बिछा गए ये। शैतान ने बहुत चाहा यीशु मसीह के काम को रोक सके, यीशु मसीह के शागिर्दों के काम को रोक सके, आपके सामने खुदावन के हम्द खुदावन की तारीफ गाने में रोक सके, लेकिन आज वो सारी दीवारें हट गईं, आज वो सारे रोकथाम हट गए, आज खुदावन का नाम एक बार फिर से मशहूर हुआ, जलाल पाया, और इसी आवाज के साथ, सोच लो तुमसे कुछ ना बना है, सोच लो तुमसे कुछ ना बना है, कुछ ना बना है, सारी दुनिया पे छा।